हरि ओम, हरि ओम, प्रणाम। संत कहते हैं कि शराब को पीने का क्या नुकसान होता है उसको आप समझ जाएं अपने आप, लेकिन रखने का नुकसान भी समझ जाएं। जो व्यक्ति शराब पीता नहीं लेकिन घर में रखी हुई है, घर में रखने से भी उसके साथ दो तरह की दिक्कतें रहेंगी। पहला, जात उस व्यक्ति की आमदन कितनी भी हो लेकिन पैसे की कमी रहेगी। आमदन अलग चीज है, हाथ में पैसा रहना अलग चीज है। अगर ये दिक्कत ना हो तो दूसरी दिक्कत, उसके साथ ऐसी ऐसी परेशानियां आएंगी जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है। मकान किराए पे दे दिया और छोड़ता नहीं किराएदार, और कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। गाड़ी खड़ी खड़ी में कोई मार गया, मतलब बेमतलब का क्लेश। तो संत कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे घर में शराब रखी भी है और मेरे साथ इन दोनों में से कोई भी दिक्कत नहीं है, तो संत कहते हैं तो आप समझ जाना कि ये व्यक्ति शराबी भी है और झूठा भी है। तो नशा, हम सब सहमत हो चुके हैं कि नशा इस शरीर में नहीं जाना चाहिए। जिस पदार्थ का भोग हम मंदिर वाले भगवान को नहीं लगा सकते, उस पदार्थ का भोग अंदर वाले भगवान को भी नहीं लगाना चाहिए। आप सहमत हैं? कुछ ऐसे नशे हैं जिनको हम नशा ही नहीं मानते, उसकी बात तो करनी पड़ेगी। वो है चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक को भी इसी में रख लीजिए। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, चाय कॉफी का भोग भी मंदिर वाले भगवान को नहीं लग सकता, फिर इसका भोग अंदर वाले भगवान को कैसे लग सकता है? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक भी नशा है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। तीन तरह के कानून हैं। एक है सरकार का कानून, दूसरा है समाज का कानून, और तीसरा है कुदरत का कानून। सरकार के कानून में भी कुछ सिफारिश, कुछ लेन देन चल जाता है। समाज के कानून को भी कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन कुदरत के कानून में कोई बख्शा नहीं जाएगा। छोटा बच्चा, साधु हो, कोई हो, आग में हाथ डालेगा तो जलेगा। कुदरत का कानून कहता है कि चाय कॉफी नशा है। आप इसके साथ सहमत हो जा नहीं। आजकल अखबारों में पढ़ के कुछ लोग कहते हैं चाय में तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर आप लैब में जाके पॉटी को भी टेस्ट कराएंगे उसमें भी विटामिन मिलेंगे, पक्की बात है। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज के केवल गुणों को देख के ही उसके बारे में आकर्षित हो जाएं, उसके अवगुणों को भी साथ में देखना पड़ेगा। दोनों को मिला के हम फैसला करेंगे कि पदार्थ खाने लायक है या नहीं। तो चाय एक नशा है। ये जो नशा है, नशे की हम कैसे पहचान करें? नशे की एक पहचान है कि इसको, इसके बदले में कोई दूसरा पदार्थ हम नहीं ले सकते और इसके लिए बिना हम नहीं रह सकते। नहीं लेंगे तो सिर में दर्द होगा। अगर हम रोज एक नारियल पानी पीने के आदि हैं, मान लीजिए कहीं चले गए, वो कहते हैं जहाँ नारियल पानी नहीं मिलता आपको मौसमी का जूस दे दें, हम कह देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसी अवस्था आए कि समय पर ना भी मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाय वाले को बोलिए कि आज चाय का प्रबंध जरा मुश्किल है, मौसमी का जूस ले लीजिए। चाय ही चाहिए। और अगर बोलिए कि आज कोई बात नहीं, आज छोड़ दीजिए, तो सिर में दर्द होगा। इसका मतलब चाय एक नशा है, कॉफी
एक नशा है, इसको तो छोड़ना पड़ेगा, तुरंत छोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं छोड़ेंगे तो जैसे आजकल बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी नेगेटिव मार्किंग होती है। नॉनवेज और नशे ये हमारी सेहत में नेगेटिव मार्किंग करते हैं। आप कितना ही बढ़िया बढ़िया खाएं सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे? 5 किलो दूध लीजिए, फुल क्रीम। 5 किलो दूध में से मक्खन निकालिए, कितना निकलेगा बताइए? आधा किलो, लगभग आधा किलो मक्खन निकलेगा। 5 किलो दूध में 2 चम्मच चाय पत्ती डाल के उबाल दीजिए, फिर कितना मक्खन निकलेगा? नहीं निकलेगा। कहाँ गया आधा किलो मक्खन? आधा किलो मक्खन को 2 चम्मच चाय पत्ती के खा गए, नष्ट कर दिया। आप कितने ही दिन भर में काजू पिस्ते बादाम खाएं, कितने ही अच्छा अच्छा भोजन खाएं कि इसमें विटामिन ए होता है, इसमें विटामिन सी होता है, अगर 2 कप चाय के पी लिए आपकी सारी ग्रीस खत्म, आपका सारा मक्खन खत्म। हमारे घुटनों की ग्रीस कहाँ गई जरा बताइए? पहले के बुजुर्गों की घुटनों की ग्रीस खत्म क्यों नहीं होती थी ये भी बता दीजिए। जब चाय नहीं थी तब किसी के घुटनों की ग्रीस खत्म नहीं होती थी, तब किसी की हड्डियों के अंदर से ग्रीस नहीं निकलती थी, ग्रीस रहती थी। ग्रीस का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी, वहां लचक रहती थी। हमारे घुटनों में दर्द नहीं होता था, कमर में दर्द नहीं होता था, डिस्क प्रॉब्लम नहीं होती थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस नहीं होता था, हड्डियों के रोग नहीं होते थे। चाय ने आपकी सारी ग्रीस खत्म कर दी। अब ग्रीस के कैप्सूल खाने के बाद किसी की ग्रीस पूरी होती हो वो भी बता दीजिए। कैल्शियम की गोलियां खाने के बाद किसी का कैल्शियम पूरा हो जाता हो वो भी बता दीजिए। इतनी सभा के अंदर कोई तो बैठा हो जिसका पूरा हो गया हो, कोई 5-7 साल से 10 साल से खा रहा हो और पूरा हो गया हो? नहीं होता। कारण, हम चाय नहीं छोड़ते। अगर चाय नहीं छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी, कल का प्रोग्राम नहीं होने वाला है। मैं बोल के क्या करूंगा? वो जितना भी अच्छा अच्छा आप खाओगे आपकी चाय ले जाती रहेगी। आपने मटके के अंदर सुराख कर रखा है और ऊपर से पानी डाल रहे हो, नीचे से सुराख है पानी बाहर जा रहा है, बेवकूफी है उसमें पानी डालना। तो और सुनना भी बेकार और मेरा बोलना भी बेकार। चाय छोड़नी पड़ेगी। एक बात तय कर लीजिए, अगर एक मंदिर इंसान बनाता है, एक मंदिर इंसान बनाता है और एक मंदिर भगवान बनाता है। इंसान के बनाए हुए मंदिर को तो मैं देखता हूं, हम रोज जाते हैं, ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर कहां है जरा बताइए? हाँ जी, हमारा शरीर, मैं तो नहीं जानता, आपने बताया। भगवान का बनाया हुआ मंदिर हमारा शरीर है। इंसान के बनाए हुए मंदिर में गंदी गंदी चीजें डालेंगे, इंसान के बनाए हुए मंदिर में गंदी गंदी चीजें डालेंगे, क्योंकि वो इंसान का बनाया हुआ है, उसकी सजा शायद अगले जन्म में मिलेगी, शायद अगले जन्म में मिलेगी। भगवान के बनाए हुए मंदिर में अगर नशे डालेंगे, अगर मीट अंडा मांस डालेंगे, अगर गंदे गंदे पदार्थ डालेंगे, तो उसकी सजा कौन से जन्म में मिलेगी ये भी बता दीजिए। मेरे को नहीं मालूम, इसी जन्म में मिलेगी। और मिलेगी नहीं, भुगत रहे हैं हम, तो इसलिए खाने वाली छोड़ने वाले तो 5 तरह के पदार्थ हैं, लेकिन 2 के लिए मैं पक्का सख्त हूं,
दो के लिए समझौता नहीं करूंगा क्योंकि इसके बिना गाड़ी आगे नहीं चलेगी, बाकी तीन और हैं उसमें कभी कभी समझौता कर लूंगा क्योंकि मैं भी आश्रम में नहीं रहता, कोई संत महात्मा भी नहीं हूं, आपका ही भाई हूं, आपकी तरह अपने परिवार में रहता हूं, और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं सारा दिन यही काम करता हूं, अपने कुछ समय को इस काम के लिए लगाता हूं, बाकी समय मैं अपना बिजनेस करता हूं। तो मेरे को पता है किस लेवल तक चल सकते हैं, उतना ही जितना झेल सकते हैं उतना ही वजन उठाने के लिए बोलूंगा। तो ये दो चीजों के लिए आपको आज से संकल्प लेना पड़ेगा कि हम किसी भी किस्म का नशा नहीं लेंगे, नॉन वेज मीट अंडा मांस नहीं खाएंगे, इस भगवान के बनाए हुए मंदिर को कम से कम ये दो चीजों से तो 100% शुद्ध रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका भगवान, इसका तो भोग हम मंदिर वाले भगवान को भी नहीं लगा सकते। छोड़ने वाले तीन तरह के लोग होते हैं। तो शराब के बारे में एक व्यक्ति कहता है मैं इस नशे को छोड़ूंगा, वैष्णो देवी जाके आऊंगा, वहां जाके संकल्प करूंगा और फिर छोड़ूंगा। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं एक तरीक से छोड़ूंगा। तीसरा व्यक्ति कहता है अभी छोड़ूंगा और जो अभी जो घर में पड़ी है उसी को टॉयलेट में गिराऊंगा। आइए अब एक सवाल आया है कि नशा करने से तनाव मुक्त हो जाते हैं हम, इसको जानिए। नशा करने से हम तनाव मुक्त नहीं होते हैं, हम बेहोश होते हैं। बेहोशी में और तनाव मुक्त होने में विशेष अंतर है। कैसे? अगर हम रात को नींद की गोलियां खा के सोते हैं तो सुबह जब उठते हैं, कुछ लोग रात को शराब पी के सोते हैं, कुछ लोगों को शराब के बिना नींद नहीं आती, कुछ लोगों को नींद की गोली खा के नींद खाए बिना नींद नहीं आती। जो व्यक्ति नींद की गोली खा के सोते हैं, जो व्यक्ति शराब पी के सोते हैं, सुबह उनका हालचाल पूछने जाएं, सुबह उनका शरीर टूटता है, उनका सुबह शरीर तरोताजा नहीं होता है, उनका शरीर उनको ये कहता है कि आपको तो रात भर नींद ही नहीं आई, आप तो बेहोशी में पड़े रहे। तो नशा तनाव मुक्त नहीं करता है, बेहोश करता है। जो हमें सच्ची नींद आती है, गहरी नींद आती है, उसके बाद हम तरोताजा होते हैं। तनाव से मुक्त होने में और बेहोशी में अंतर है। तो गलत तरह के खाद्य पदार्थ की चर्चा हो रही है। तीसरा गलत पदार्थ है सफेद चीनी। इसके विकल्प के रूप में हमें बिना मसाले का गुड़ इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये गुड़ बहुत अच्छा है, ये बिना मसाले का है, ये काले रंग का होता है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। खजूर को या मीठे फलों को इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद चीनी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सफ़ेद चीनी में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम कुछ नहीं होता, केवल मिठास होती है। गुड़ के अंदर, जो गन्ने के अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, वो सब कुछ गुड़ में होता है। तीसरा है वनस्पति रिफाइंड घी तेल, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके विकल्प के रूप में ये कच्चे नारियल की गिरी, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक अनपॉलिश्ड राइस होते हैं, बिना पॉलिश के चावल। चावल दो तरह के होते हैं, एक पॉलिश्ड एक अनपॉलिश्ड। जो सफ़ेद चावल होते हैं और जो असली चावल होते हैं वो मटमैले होते हैं। उन ब्राउन चावल को राइस मिल के अंदर पॉलिश कर दिया जाता है, उसका ऊपर का छिलका उतार दिया जाता है, उसमें से तेल निकलता है, उसको अलग से बेच दिया जाता है। सफ़ेद चावल हम लोग खाते हैं, आम मिल में रह जाता है
और गुठली हमारे पेट में आ जाती है। सफ़ेद चावल और ब्राउन चावल, ये हैं ब्राउन राइस, ठीक है, ये हैं ब्राउन राइस और ये हैं सफ़ेद चावल। इन ये चावल खुश्क होते हैं, ये चावलों के अंदर चिकनाहट होती है, ये चावलों का कोई स्वाद नहीं होता, इन चावलों का अपना कोई स्वाद होता है, इन चावलों को खाने से शुगर हो जाती है जिनको हम खाते हैं, और इन चावलों को खाने से शुगर नहीं होती है बल्कि शुगर ठीक हो जाती है। इन चावलों को खाने से घुटनों में दर्द हो जाता है, इन चावलों के खाने से घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है, इतना अंतर है और हम खाते यही हैं। घी तेल जो है, ये कच्चे नारियल की गिरी को इस्तेमाल कीजिए, इसको हम सब्जी में डलवाते हैं। आज आपको जो सब्जी मिलेगी उसके अंदर ये डली हुई है, जो सब्जी के अंदर घी का स्वाद आता है वो स्वाद कच्चे नारियल की गिरी के द्वारा लीजिए। कच्चे नारियल की गिरी हमारे जन्म में, ये वाला नारियल इस्तेमाल किया जाता है, शादी पे, पूजा में, शगन में, मेहमान को जाते समय शगन में, हर जगह हम इस नारियल को पूजा पद्धति में इस्तेमाल करते हैं। वैष्णो देवी में प्रसाद भेंट किस चीज़ की चढ़ती है? इस नारियल की। जब पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनिषियों ने ये रिसर्च की, तो उनका ये ऐसा मतलब रहा होगा, कन्याकुमारी से नारियल आएगा और वैष्णो देवी पे चढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट के साधन भी नहीं हैं, उनको कोई इसका विकल्प नहीं मिला। कारण, जब ये कन्याकुमारी से चलेगा, वैष्णो देवी तक जाएगा, पूरे भारत के गांव गांव में ये पहुंच जाएगा। हमारे पूर्वजों की ये देन है कि आज ये हमारे भारत के हर भाग में उपलब्ध है। कारण, पूजा। स्वास्थ्य के लिए हम नहीं ढूंढेंगे, पूजा के लिए ढूंढेंगे। उनका मतलब था कि ये नारियल हर रसोई में जाना चाहिए, हमने इसको पूजा तक रख लिया, रसोई में नहीं लेकर गए। अगर एक परिवार में रोज एक नारियल टूट जाए सुबह और एक दिन में इस्तेमाल हो जाए, उस परिवार के अंदर किसी किस्म की आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन की कमी नहीं होने वाली है, और इसकी कीमत आधा किलो दूध जितनी है। इसलिए घी तेल जो रिफाइंड आप यूज कर रहे हैं उसको छोड़ के इसको इस्तेमाल कीजिए। फिर भी अगर करना पड़े तो सरसों, मूंगफली या तिल का तेल अपना निकलवा के इस्तेमाल कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निःशुल्क कक्षा में भाग लें। निःशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है, नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, Sector 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर हैं 011-2751-0771, 09953722272।